सॉरी अमृता, मेरा मीटिंग में जाना बहुत ही जरूरी है। हमारे क्लाइंट्स कल अमेरिका जाने वाले हैं और करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए आज ही साइन करवाना होगा। बच्चन जी नहीं, वो नहीं जा सकते, सॉरी। देखो हम अभी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, 4 बजे की फ्लाइट है। सीमापुर पहुँचते मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। हाँ बाबा, मैंने मम्मी को बता दिया है। आई एम सॉरी अबाउट द इवनिंग, बाय। मैंने अमृता से वादा किया था कि मैं उसे आज प्ले दिखाऊंगा। उसे तो टिकट्स भी ले लिए हैं। कल वो शहर से 2 हफ्तों के लिए बाहर जाने वाली है। आई एम श्योर शी विल अंडरस्टैंड। बाय द वे, तुम्हारी सगाई कब है भाई? जल्दी ही। गुड। ये रही प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ये वीडियो कैसेट, तीनों साइट्स का। डिस्कशन के समय तुम स्ट्रेस करना, इन तीनों साइट्स में से हम कहीं भी फैक्ट्री लगाएं तो हमें वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलेगी। कमाल है, बीच रास्ते में खड़े हो जाते हैं। आपको हॉर्न सुनाई नहीं देता, आप बीच रास्ते में। आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए जरा जोर से बोलिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रवि, आपके हाथ हिलाने से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जरा जोर से बोलिए, देखिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप जरा जोर से बोलिए, प्लीज जरा जोर से बोलिए। रवि देखिए, बीच सड़क पर गाड़ी क्यों रोक दी और ये तुम क्या कर रहे हो? मचिन जी, ये औरत जो बीच रास्ते में खड़ी है, मैं इसे जानता हूँ। कौन सी औरत? ये औरत। अरे यहाँ कोई नहीं है। ये औरत मचिन जी। तो इस बार कितने दिन? आसपास के 3-4 गांव के बच्चे भी आने वाले हैं इस बार। कम से कम 15 दिन तो कैंप चलेगा ही। कैप्स, तूने कैप्स मंगवाई थी ना? ओ यार, मैं लेकर आई हूँ। लेके आई? दिखाओ। अच्छा रश्मि, प्लीज मेरे प्लांट्स को पानी डालना मत भूलना। फिर से यार, मेरे 2 घंटे जाएंगे। लेकिन एक बात कह देती हूँ, इस बार मुझे पेमेंट चाहिए। पेमेंट? हाँ, वो भी एडवांस में मिलेगा मैडम। एडवांस में? ओ या, ये लो। वाओ, आज के प्ले की टिकट्स। लेकिन तू तो रवि के साथ जा रही थी ना? फिर जाने वाली थी लेकिन उसे अर्जेंट काम आ गया तो दोपहर की फ्लाइट पकड़ के सीमापुर चला गया। अभी तक तो पहुंच भी गया होगा वो। थैंक्स फॉर द टिकट्स। हाँ, मैं तो चली प्ले देखने। और बाय, हैव अ नाइस जर्नी। अच्छा सुन, आकर मुझे फोन करना, नहीं बोलना। हाँ ओके। अच्छा मेरे प्लांट्स को पानी डालना मत भूलना। ठीक है ठीक है, तुम्हारे पौधों को भी पानी दे दूंगी मैं। अमृता, रवि आया है। रवि फ्लाइट मिस हो गई क्या? क्या हुआ? जब मैंने तुमसे बात की तब तो तुम एयरपोर्ट जा रहे थे। मेन्स ऑफ कर रखे हैं, प्लीज। क्या हुआ मर्चेंट जी? अमृता ये पागल हो गया है। हाँ? इसने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया। क्या? उसके साथ हमारी कंपनी का करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। ओह माय गॉड। हम लोग एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले थे कि इसने सड़क के बीचों बीच गाड़ी रोक दी। हाँ? और फिर किसी बूढ़ी औरत के बारे में अनाप शनाप बातें करने लगा और फिर फ्लाइट पर जाने से साफ मना कर दिया। अमृता, ये रिमोट बराबर काम नहीं कर रहा है। रवि, इतना ही नहीं, इसने तो एयरपोर्ट पे फोन करके फ्लाइट को ही कैंसिल कराने की कोशिश की। अब टीवी पे क्या देख रहे हो, फिल्मी गाने? मचिन जी एक मिनट, मैं न्यूज़ सुनना चाहता हूँ। नमस्कार, एक विशेष सूचना। अभी अभी मिली खबरों के अनुसार ओमेगा एयरलाइंस का फ्लाइट नंबर 551 जो सीमापुर हवाई अड्डे पर उतरने वाला था दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान पर सवार 97 यात्री और क्रू में से कोई भी बच नहीं सका है। दुर्घटना के बारे में अधिक विवरण अभी आना बाकी है। तुम इसी फ्लाइट से जाने वाले थे ना? आंटी को फोन करो, उन्होंने अगर न्यूज देख ली तो वो परेशान होगी बेचारी। अभी मैं रवि बोल रहा हूँ। रवि कहाँ हो तुम, कैसे हो बेटा? अभी अभी मैंने टीवी पे देखा। नहीं, मैंने दोपहर वाली फ्लाइट नहीं ली। थैंक गॉड। मैं अमृता के यहाँ हूँ, ठीक हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि रवि ने उस फ्लाइट पर जाने का अपना इरादा अचानक बदल क्यों दिया।
उस औरत ने 3 बार मेरी जान बचाई है। किसने? मैं नहीं जानता कि वो औरत कौन है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उस औरत की बदौलत। आज एयरपोर्ट जाते हुए जब रास्ते में मैंने उस औरत को देखा तो मैंने जान लिया कि आगे खतरा है। मर्चेंट जी, अगर आप एयरपोर्ट फोन कर लेते तो मेरे साथ उन लोगों की जान भी बच जाती। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सुबह से मैं इसके साथ हूँ, ना तो मैंने किसी को ऑफिस में देखा ना ही रास्ते पर। मेरे सिवाय उस औरत को और कोई नहीं देख सकता। क्या? मैं जानता हूँ कि सुनने में अजीब लगेगा, मैंने उस औरत को पहली बार तब देखा जब मैं छोटा था। मम्मी और पापा से जिद करके मैं थावलगिरी फोर्ट गया। सारा दिन हम फोर्ट में घूमते रहे, शाम को जब हम फोर्ट के कोठरी में गए तो मैंने उस औरत को पहली बार देखा। आइए आइए आइए, आप सब लोग मेरे साथ आइए आइए। ये देखिए, ये है धवलगिरी का किला, 500 साल पुराना है। इसे कारागार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के आसपास के गांव के लोगों के कहने के मुताबिक यहाँ खूंखार डाकुओं को बंदी बनाकर रखने का इतिहास है। आइए आइए मेरे साथ आइए आइए आप लोग आइए। अंग्रेजों के राज में रानी साहिबा के अफसरों ने इसे क्रांतिकारी कारागृह में बदल दिया था। राम सिंह, जमील खान और कड़प्पा जैसे स्वतंत्र सेनानियों को यहाँ बरसों कैद करके रखा गया था। बहुत रंगीन इतिहास है इस किले का। आप लोग आइए, मैं आपको आगे बताता हूँ। किला बंद होने का समय हो गया है, अब हमें निकलना चाहिए। आइए। आप कौन है? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जोर से बोलिए ना। चलो चलो चलो, देर वाले, चलो 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 चला चलो चला चलो चलो। लेकिन रवि किधर है? कौन रवि? वही जो हमारे साथ में बच्चा था, गोरा सा, लाल टी शर्ट वाला। वो पहले बस में चले गया। लेकिन उसका बैग और वाटर बॉटल तो बस में है। और पहले बस में गया, शायद किले में हो, प्लीज देखे ना। किला बंद हो गया ना? किला कब का बंद हो गया? आप लोग अभी तक यही है, आगे घाट है, रात हो जाएगी, चलिए। लेकिन रवि, वो पहली बस में गया होगा। किला कब का बंद हो गया? अंदर कोई नहीं है, ड्राइवर। अरे आप कहाँ चले गए? आप कहाँ चले गए? अरे दरवाजा खोलिए ना, कोई है, कोई है, बचाओ बचाओ। मम्मी 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 सुमन सुमन मिल जाएगा रवि, थोड़ा सवाल रखो सुमन। कहाँ होगा मेरा रवि? क्यों भेजा मैंने उसे? मैं अपने को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। सुमन मिल जाएगा सुमन। किला, वो किले पे होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा किले पे होगा, वो जरूर सबसे बिछड़ गया होगा। हमें वहां ले चलिए प्लीज। लेकिन किला तो बंद हो चुका है। ले चलिए ना प्लीज, ले चलिए ना, बोलो ना। हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक बार हमें वहां ले चलिए, शायद हमारा बेटा हमें मिल जाए। ओके आइए आइए।
अच्छा हुआ मेरा घर पास भी है। आई, ये एक आखिरी जगह बची है देखने के लिए, पर यहाँ कोई कैसे हो सकता है? रवि बेटे, रवि, रवि, मम्मी, मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, बेटा तू कहाँ रह गई? मैं कहाँ पीछे रह गई? मम्मी बेटा कहाँ? उस औरत ने मुझे बंद कर दिया था मम्मी। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा था, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा था। किसने बंद किया था बेटा तुम्हें यहाँ? उस औरत ने। किस औरत ने? मुझे नहीं मालूम, थोड़ी देर पहले वो यहाँ आए थे। यहाँ तो कोई नहीं है, आप लोगों की नजर के सामने ही मैंने किले का दरवाजा खोला और हम लोग अंदर आए। मुझे लगता है कि इसे थकान की वजह से नींद आ गई होगी और इसने कोई भयानक सपना देखा होगा। जाने दीजिए, आपका बेटा है बहुत लकी, अगर वो उस बस में होता तो वो भी दुर्घटना में मारा जाता। नहीं मम्मी, वो औरत यहाँ थी जिसने मुझे अंदर बंद किया। उस बचपन वाले हादसे को सब भूल गए लेकिन मैं नहीं भूला। मेरी अनजान औरत वाली बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं कि उस औरत ने मेरी जान बचाई है। मैं उसे कहीं भी पहचान लूंगा, वो चेहरा, वो हाथ पर बना हुआ निशान मैं नहीं भूल सकता। मैंने उसे दूसरी बार हमारे ऑफिस में देखा, नायडू को दुबई में नौकरी मिल गई, उस दिन बहुत खुश था। अरे रवि, अपने तो फिक्स हो गया, हम तो चले दुबई। तू लोग सड़ो यहाँ पर यार, 10 साल में बंगला बनाऊंगा। बंगला बनाइएगा साहब, लेकिन बंगले में 4 लिफ्ट जरूर लगा देना, वरना ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा 10 मिनट के लिए। लीजिए लिफ्ट आ गई। नो दुबई वाले साहब, आप पहले चलिए। ये चलो चलो। वाह भाई, चमचे भी साथ ही निकले। मैं उस औरत को हर जगह ढूंढता रहा, वो नहीं मिली। आज जब वो एयरपोर्ट के पास मुझे मिली तो मैं फौरन समझ गया कि आगे खतरा है। वो आने वाले खतरे से आगाह करने आई थी मुझे। कमाल है। नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सिर्फ तुम्हें दिखाई दे और बाकी किसी को दिखाई ना दे? मैं शायद आपको समझा ना पाऊं, लेकिन हकीकत यही है कि मैंने उस औरत को देखा है। मैं उससे मिलना चाहता हूं, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन तुम उसे कैसे खोज पाओगे? पता नहीं, एक सुराख है, उसके हाथ पर बना हुआ निशान मैं बनाकर दिखा सकता हूं तुम्हें। पर बना हुआ निशान ऐसा ही है। हो सकता है तुम्हारे पिछले जन्म का कोई हिस्सा हो, या हो सकता है औरत अभी भी जिंदा हो। ये सब अजीब है,
मैं कल कैंप के लिए जा रही हूँ, लौटने पर ही इसकी जांच करूंगी। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा, मेरी गाड़ी गर्म हुई है। नहीं नहीं, बाहर ही वो क्या कह रही हो तुम? एक मिनट, एक मिनट। यही है। क्या नाम है आपका? बताइए ना प्लीज। मेरा नाम माया है। मैं इसी घर में रहती हूँ, अकेली। बहुत सालों से यहीं रह रही हूँ, बहुत सालों से बाहर भी नहीं गई। क्या जानना चाहती हो तुम मेरे बारे में? सब कुछ। इस निशान के बारे में सब कुछ जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसका वास्ता मेरे रवि की जिंदगी के साथ है। ये रवि, इसे जानती हैं आप? नहीं, मैं बहुत छोटी थी जब ये निशान मेरे हाथ पर आया। आया? ये मेरे बाबूजी यहाँ के ठाकुर थे, इन्होंने मेरी परवरिश की। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, बहुत प्यार से इन्होंने मुझे पाला, लेकिन बहुत सख्त आदमी थे। मैं बहुत डरती थी इनसे, इनका बहुत विश्वास था
ये हस्तरेखा भविष्यवाणी में उसी दिन की बात है जिस दिन ये तस्वीर बन रही थी। ठाकुर साहब कृपा करके अपनी जगह से मत हिलिएगा, मेरा ध्यान बढ़ जाता है। एक मिनट, ये बंदूक तो खाली है। उससे क्या फर्क पड़ता है? ठाकुर साहब ये तो सिर्फ एक तस्वीर है और देखने वालों को ये कैसे पता चलेगा कि बंदूक भरी हुई है या खाली? ठाकुर कभी खाली बंदूक नहीं उठाते। ठाकुर साहब लगता है ये तस्वीर कभी पूरी नहीं होगी। माया बेटी जाओ, जाकर देखो कौन आया है। पिताजी घर में हैं। ठाकुर तुम ठहरो, मैं अभी आता हूं। आइए आइए गुरुजी, नमस्ते, पधारिए। कैसे हैं आप? कुशल है। ठाकुर साहब अगर आप ऐसे हिलते रहे तो तस्वीर पूरी कैसे होगी? हाँ हाँ आ रहा हूं गुरुजी। अगर तुम अपना काम इत्मीनान से पूरा करो, मैं रुकता हूं। मैं अभी आपकी सेवा में हाजिर होता हूं। बेटी गुरुजी का ख्याल रखना। जादूगर है तो बताइए मेरे हाथ में क्या है? तुम्हारे पलंग के नीचे एक बक्सा है। उस बक्से में तुमने अपने खिलौने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बनवाए हुए कपड़े रखे हैं। उस बक्से की चाबी तुम्हारे हाथ में है। आपको कैसे पता? मैंने कहा था ना, मैं जादूगर हूं, मैं जादूगर। अरे अरे अब क्या देख रहे हैं? ठाकुर मैंने अभी तुम्हारी बेटी का हाथ देखा, बहुत अच्छी बच्ची है, बड़ी होकर सुंदर और सुशील औरत बनेगी, मगर उसकी शादी कभी मत होने देना। उसकी शादी हो गई तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो, चेतावनी समझ लो इसे। अगर उसकी शादी हो गई तो उसकी जिंदगी हमेशा दुख से भरी रहेगी। ये नहीं हो सकता है। ठाकुर जरा अपना हाथ दिखाओ। बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था। ठाकुर तुम्हारे हाथों पर खून है। मैं देख रहा हूं एक दिन तुम अपनी बेटी के पति का खून करोगे। आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? हाँ ठाकुर तुम अपनी बेटी को विधवा बनाओगे। नहीं गुरुजी, आज तक मैंने अपनी भविष्यवाणी में कभी गलती नहीं की, पर इसे एक बार चाहता हूं गलत साबित हो जाऊं। आप तो सर्वज्ञानी हैं गुरुजी, क्या मेरी बच्ची की किस्मत बदलने का कोई उपाय है? बेटी को ले आओ। ठीक है। मनुष्य की किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, और ऐसा कहा जाता है कि प्यार और विश्वास में उतनी ही ताकत होती है जितनी विधि के विधान में। बेटी तुम्हारी बेटी की रक्षा यह निशान करेगा। उस दिन से मेरे हाथ पे यह निशान है। बाबूजी ने मुझे उस भविष्यवाणी के बारे में कुछ नहीं बताया। वक्त बीतता गया, मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन हर बार बाबूजी कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देते थे। मुझे ये बहुत अजीब लगा। मैं 30 साल की हो गई थी। मैंने अपने अकेलेपन से समझौता कर ही लिया था कि
की संजय मेरी जिंदगी में आया। क्यों तुम इतने दिनों से एक ही बात पर बहस किए जा रही हो? मैंने तुमसे एक नहीं, दो नहीं, 100 बार कह दिया है, मैं उससे नहीं मिलूंगा और तुम भी उससे नहीं मिलोगी। अगर तुमने शादी करी तो जिंदगी भर सुखी नहीं रह पाओगी। गुरुजी ने कहा था तुम्हारी शादी ना हो, इसी में सबकी भलाई है। मेरा उन पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं अब इस बारे में कोई भी बहस करना या सुनना नहीं चाहता हूं। दिस इज फाइनल। लेकिन मैं संजय से प्यार करती हूं, उसके बिना रह नहीं सकती। उसी रात मैंने ये घर छोड़ दिया, दूसरे दिन हमने मंदिर में शादी कर ली। बाबूजी के डर से मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, अपना पता ठिकाना कुछ नहीं। 2 साल बीत गए, मैं अपनी शादी में खुश थी, हमारा एक बच्चा भी हो गया था। गुरुजी की सभी भविष्यवाणियां गलत साबित हो चुकी थी। नाना आएंगे, सूरज का जन्मदिन मनाएंगे, नाना सूरज को देखेंगे, बहुत खुश होंगे, छोटे छोटे बाबा को पारी 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 करेंगे। लेकिन नाना को ठहराएंगे कहाँ? उस कमरे में। लेकिन वो कमरा तो हमेशा से बंद है, पापा कहते उसमें बहुत सारा सामान है, उसको नहीं खोलेंगे। और कमरे की चाबी पापा के पास है, तो हम क्या करेंगे? फिर हम सब नाना के साथ उनके घर जाएंगे, सूरज, पापा, मामा। अरे पापा के जेब में ये क्या है? चाबी है उस कमरे की, हम वो कमरा साफ करेंगे, चलो। अरे ये तो एकदम खाली है, तेरे पापा तो कहते थे सामान से भरा हुआ है, ये क्या है? अखबार की कटिंग। चौलकुला क्लेम 17th विक्टिम विडो मर्डर्ड इन नासिक, अनूठे हत्याकांड, सांगली एरेस फॉर्म स्ट्रैंगल, चश्मदीद गवाह ने हत्यारे को देखा है। ये खूनी वास्तव में एक जवान आदमी है जो बूढ़े का भेस बनाकर हत्याएं करता है। क्यों खोला तुमने? मैंने मना किया था ना कि इस कमरे में मत आना, मना किया था ना, किया था ना? तुमने इन औरतों का खून किया है। किया है। पैसा, इनके पास बहुत पैसा था माया, इन सारी अमीरजादियों को अपने अकेलेपन से मुक्ति चाहिए थी। मैंने उन्हें मुक्त कर दिया। तो यही तुम्हारा कारोबार है, इसीलिए तुम शहर से इतना दूर रहा करते थे। तुम पागल हो चुके हो संजय। पुलिस। ऐसी भूल मत कर माया। सुनो, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की कि तुम एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी, और तुम्हें आज तक जिंदा सिर्फ इसलिए रखा कि तुम्हारे बाप की मौत के बाद उसकी सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। ऑब्वियसली फिर मेरी हो जाएगी, पर ना सिंपल, तुम्हें भी कब का मुक्ति दे दिया होता। मजबूर मत कर माया। देखो माया, मैं तुझे आज नहीं मारना चाहता हूं। अरे मुझे जायदाद चाहिए था। मजबूर मत कर माया, प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। जब मैं पुलिस को लेकर घर पहुंची तो मैंने पाया कि संजय भाग गया है। हमारे बच्चे को लेकर भाग गया था। फिर 4 दिन बाद वो पकड़ा गया। कहाँ है मेरा बच्चा? क्या किया तुमने उसके साथ? फेंक दिया है उसे
ऐसी जगह जहाँ से तुम उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगी। ऐसा मत कहो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बताओ कहाँ है वो। पुलिस के हाथों पकड़वाने की सजा दी है मैंने तुम्हें। अब रोते रहना है जिंदगी भर अपने लाडने के लिए। ले चलो उसे। मैडम अभी अभी खबर मिली कि आपके पिताजी सीरियस है। बेटी मत लाडना, ना होकर भी तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और ये गुरुजी का दिया हुआ निशान हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। बाबूजी, संजय को उम्र कैद की सजा हुई। उसने पुलिस को बताया कि उसने हमारा बच्चा किसी रेलगाड़ी में छोड़ दिया, वो आज तक नहीं मिला। यानी उस दिन के बाद आपने अपने बच्चे को देखा ही नहीं। प्रत्यक्ष रूप से नहीं। क्या मतलब? मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ। जब भी मुझे लगता है उसे कोई खतरा है तो मेरा मन सुन हो जाता है और मैं अपने आप को उसी जगह पाती हूँ जहाँ उसके साथ कोई हादसा होने वाला होता है। मैं उसे रोकने की कोशिश करती हूँ लेकिन वो मेरी बात नहीं समझ पाता और फिर मैं जाग जाती हूँ। मुझे कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ एक अजीब सा एहसास जैसे एक राहत। मेरा बच्चा कहाँ होगा? आंटी मुझे आप ही से बात करनी थी और मैं चाहती थी कि रवि यहाँ ना हो। क्या बात है अमृता, बहुत परेशान लग रही हो। आंटी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, बहुत नाजुक और सच जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या आप ही रवि की माँ है? क्या मतलब है तुम्हारा अमृता? मुझे गलत मत समझेगा आंटी, मैं मानती हूँ कि आप ही रवि की माँ है, पर क्या रवि आपका बेटा है? आप ही ने उसे जन्म दिया है? प्लीज आंटी, मेरे लिए यह जानना बहुत अहम है। मैंने कसम खाई थी कि इस बारे में रवि को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे पति रेलवे में थे, उन्हें ट्रेन में एक बच्चा मिला। मैं बे औलाद थी, मैंने उन्हें इस बारे में पुलिस को बताने के लिए मना किया। ये सच है कि मैंने उसे पाला है, जन्म नहीं दिया। अगर इस बारे में रवि को पता चलेगा तो क्या कहेगा? मम्मी! क्या हुआ बेटे? मैंने बहुत बुरा सपना देखा है अमृता, मैंने उसी औरत को देखा है। क्या? कहाँ? बिल्कुल हकीकत जैसा। मैं एक अनजान घर में था, वो खड़ी और मेरी आंखें खुल गई। मुझे विश्वास है कि उस औरत के साथ कुछ बुरा होने वाला है। मम्मी, उस औरत ने मेरी जान 3 बार बचाई है और आज जब वो मुश्किल में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसका पता मिल जाए। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। क्या? आज दोपहर को ही तो मैं उसे मिली, यही बताने तो यहाँ आई थी। हरिपुर में रहती है वो, लेकिन आज जब मैं मिली तब तो वो बिल्कुल ठीक थी। नहीं अमृता, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसे किसी ने चाकू से मारा है। एक मिनट, तुमने कहा तुमने सपने में घड़ी देखी थी, उस घड़ी में टाइम क्या हुआ था? 10 बज रहे थे। 10?
अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं। हो सकता है तुमने जो देखा वो आगे होने वाला हो। हम 10 बजे से पहले पहुंचकर उसकी जान बचा सकते हैं। कौन है वो औरत? क्या रिश्ता है मेरा उसके साथ? वो तुम्हारी माँ है रवि। हम जरूर वक्त पे पहुंच जाएंगे रवि, विश्वास रखो। रिलैक्स रवि, डोंट वरी। तुम सामने आओ, डरो मत माया, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। सच कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी जान लूंगा। मुझे डर नहीं लग रहा संजय, और ना ही मैं मौत से डरती हूँ। तुमने मुझे जीते जी उसी दिन मार दिया था जिस दिन तुमने हमारा बच्चा मुझसे छीन लिया। इससे ज्यादा तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा बच्चा छीन लिया तो क्या हुआ? तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कौन है? हुआ मैंने बंदूक भर दी थी, इसे मेरे ही हाथों मरना था। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।